मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। काजल, काजल, जो मैंने देखा वो तूने देखा? स्वीटी, अपुन को क्या मालूम कि तूने क्या देखा। तू तो आंखें खुली रखकर भी शाहरुख के सपने देखती है, और अपुन को तो रात को भी कभी कभार सपने आते हैं, और वो भी अमरीश पुरी के या AK-56 के। काजल, मैं सपनों की बात नहीं कर रही हूँ। तुझे पता है महिला मुक्ति का बैंड लता मंगेशकर का ऑर्केस्ट्रा बन गया है। देख, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। हाँ यार, ये तो त्रिमूर्ति के फिट जाने से भी बड़ा झटका है। ओए महिला मुक्ति, आज तेरे गले में बेलन की जगह पर हारमोनियम कैसे फिट हो गया? क्योंकि काजल, आज मैं बहुत खुश हूँ। ओह गॉड, काजल, मुझे लगता है आज किसी बेचारे मर्द की वापस टिकट कट गई। जरा भाई लोगों को भी अपनी खुशी की वजह बता। पता है, महिला मुक्ति वालों को फिर एक बार लंबे अरसे के बाद मोर्चा निकालने लायक इशू मिला है। कैसा इशू? खबरदार, जो शाहरुख जी के खिलाफ कोई गड़बड़ की तो। अरे नहीं यार, शाहरुख तो अभी बच्चा है, हम तो सीधे अमिताभ बच्चन के घर मोर्चा लेके जाने वाले हैं बैंडेड क्वीन के रिलीज के खिलाफ। एक्सक्यूज मी मीनाक्षी माथुर, क्या है? अमिताभ बच्चन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब से बेचारा कलकत्ता के रसगुल्ले छोड़ बंबई के वड़ा पाव के चक्कर में आया, तुम संस्था वालों के पेट में दर्द होने चालू हो गया है। पहले वो लंबा था तो प्रॉब्लम, फिर वो सुपरस्टार बना तो प्रॉब्लम। हाँ, अब वो एक्टिंग छोड़ बिजनेस करने बैठा है तो तुम लोग उसका शटर डाउन करने पर तुले हो। खबरदार, जो अपुन के लंबू भाई के खिलाफ उसके दरवाजे पर मोर्चा लेकर गई तो अपुन तेरे मोर्चे के खिलाफ टपोरियों का मोर्चा ले आएगा। Oh God. इसको क्या हुआ? पागल हो गई है। बेचारी के कान और आंख तो खराब थे ही, अब दिमाग भी खराब हो गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती मीनाक्षी, इतना भंगार पीस हमारे फैमिली में पैदा कैसे हुआ? बड़ी बहन को भंगार बोलती है। तू हंस क्यों रही है? ये खबर ही हंसने वाली है। आजकल सब खबरें हंसने वाली होती है। आसमान से हथियार बरसते, राम जाने किस पर जाती है। हाँ, मेरे हो तो सुभाष नायक को नई हीरोइन नहीं मिल रही। मीना गुप्ता फिर से माँ बनने वाली है, और तुझे पता है ममता कुलकर्णी शूटिंग कम और कोर्ट ज्यादा अटेंड कर रही है। मैं तुम्हारी इस होपलेस न्यूज पे नहीं हंस रही, मैं इस नई उम्मीद की किरण पे हंस रही हूँ। बोलो, लोग उम्मीद पर जिंदगी गुजारते हैं और ये दांत दिखा रही है। हाँ, ये पढ़ो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट, लाख दुखों की एक दवा, हंसो और हंस हंस कर बीमारी को भगाओ, हंसने से बड़े बड़े रोगों का इलाज हो सकता है। मुझे लगता है कि डॉक्टरों के दिन अच्छे नहीं है। देखो, पहले कंज्यूमर एक्ट के मामले में फंस गए थे, और अब कोई हंसते हंसते उनके पेट पे लात मारने पर तुला है। लेकिन माँ कसम मीनाक्षी, अगर ये फॉर्मूला हिट हो जाए ना, तो सब डॉक्टरों की गाड़ियां बिक जाएगी, और वो बेचारे गले में स्टेटोस्कोप लटका कर साइकिल के पेडल मारते मारते विजिट पर जाते हुए नजर आएंगे। और पेशेंट्स हंसेंगे और डॉक्टर रोएंगे। डॉक्टर रोएंगे तो हम उनके मुंह पे उनका ही डायलॉग थोप देंगे। भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पता है, हम लोग है ना लाखों कमा सकते हैं, लाखों। वो कैसे? लोगों का हंसा कर। क्या तू कोई मिमिक्री शो ऑर्गेनाइज करने वाली है क्या? काजल स्टूपिड, अगर मैं शो करने लगूं तो जॉनी लिवर जैसे बेचारे खामखा घर बैठ जाएंगे। मैं तो क्लिनिक खोलने की बात सोच रही हूँ। लेकिन क्लिनिक तो डॉक्टर खोलते हैं। तो हम लोग क्या डॉक्टरों से कम है? तूने ही कहा ना कि हंसने से सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। बस हम लोगों को हंसाएंगे और उन्हें अच्छा करने की फीस वसूल करेंगे। तेरी जाती। वाह, आज तो इस एडी ने AR रहमान के म्यूजिक की तरह हिट आइडिया ढूंढ निकाली है। हाँ यार, क्या बात है, तेरी बात में दम तो है। हमारी बातें हमेशा दमे की मरीज की तरह दमदार होती है। हाँ, पर हर बार हमारे आइडिया बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। इस बार हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। ए राधिका, जो लोग सोचते हैं ना वो सोचते ही रह जाते हैं, जो लोग बिना सोचे समझे खुद ही मारते हैं वो लोग तो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमारी जूही सोच सोच कर चलने गई थी, घर में बैठने के दिन आ गया ना उसके, और उर्मिला मातोंडकर बिना सोचे समझे जो डायरेक्टर ने दिया वो कपड़े पहने आज तो उसकी निकल पड़ी यार। हो जा रंगीला। गवाह खड़े हैं कि उर्मिला के कपड़ों के पर्दे बनाएंगे हम लोग।
100 में से एक ही बात अक्कल वाली होती है। अब तुम लोग ये सोचो कि इस एडी के आइडिया का इस्तेमाल कैसे करें। Excuse me, तुम लोग अंदर बैठ के सोचो, तब तक मैं दवाई की पूड़ियां बनाती हूँ। दवाई? कैसी दवाई? कि लोगों को कैसे हंसाया जाए, किसी ना तो किसी को इस पर बैठ के रिसर्च करनी पड़ेगी ना। क्यों ना इस महान कार्य को मैं अंजाम दूं। Shut up! Hey! क्या बात है मुन्नियों की अम्मा, आज एकदम चौदहवीं का चांद लग रही हो। चौदहवीं का चांद हो। बुढ़ापा आने के पहले ही सठिया गए। इस कुरमुरे की गोली को चौदहवीं का चांद कह रहा है। जरा एक नजर इस दूज के चांद की तरफ भी डालो जी। बड़ी बाला ने तो मुंह खोल लिया, वो छोटी मुसीबतें कहाँ है। रामानंद सागर के राक्षस की तरह क्यों हंस रही है? ये सारी लड़कियां दोपहर से बिना वजह जोर जोर से हंस रही हैं। क्या कहीं कोई हमारे घर में लाफिंग गैस का स्प्रे तो नहीं कर रहे? फिर दिया ना स्वीटी के बाप होने का सबूत। अरे लाफिंग गैस का स्प्रे हुआ होता तो तुम्हारी ये मोटी महबूबा पर भी हंसने का दौरा नहीं पड़ता। क्या घोड़े की तरह खी खी कर रहे हो? आप भी अपुन के साथ रहकर है ना टपोरी हो गए। अगर आप अपनी जवान बेटियों को घोड़ों के साथ कंपेयर करेंगे तो उनका हाथ कौन थामेगा? गधे? अच्छा, गधों के भी हाथ होते हैं? मैंने तो सिर्फ गधों के लात के बारे में सुना है। बेवकूफी पर आ रही है मम्मी, हम लोग लेटेस्ट लाफिंग थेरेपी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो क्या है? आप पता चला ये पूरी जिंदगी उस बेवकूफ पोपट के पिंजरे में नौकरी क्यों करते रहे? अरे दवाई के धंधे में रहकर लाफिंग थेरेपी का नाम भी नहीं सुना। लेकिन इन बंदरों को ये सीढ़ी किसने थमा दी? डैडी, अब हम आपके कंपनी के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे। हम लोग लाफिंग क्लिनिक खोल रहे हैं। क्या? हाँ डैड, हमने दुनिया के दुखियों को सुख के समुद्र में डुबकी लगवाने की कसम खाई है। बकवास है सब। अरे हंसने से दुख दूर हो जाते तो दुनिया में कोई रोता ही नहीं। यही तो हम करना चाहते हैं डैड। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? इस दुनिया से हम आंसुओं का वजूद ही मिटा देना चाहते हैं। इससे पहले कि मेरा वजूद हिल जाए मैं अंदर जाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर आनंद माथुर। क्या है, क्या है? इससे पहले कि आप इस बहाने से अपनी मैना के साथ अपने बेडरूम में चले जाए, मुझे आपसे जरा काम है। लेकिन मुझे आपसे कोई काम नहीं और इसीलिए मैं अंदर खिसकना चाहता हूँ। डैड, आपको जितना खिसकना है शौक से खिसके, लेकिन जाने से पहले हमें 1-2 हजार रुपए दे दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। क्या? हमें लाफिंग थेरेपी के प्रचार के लिए थोड़ी सी स्टेशनरी छपवानी है और थोड़ी सी प्रॉपर्टी लेनी है। बीना, इन्हें समझा कि दुनिया को हंसाने के लिए आपके बाप को ना रुलाए। देखो बेटा, महीने के आखिर दिनों में तो हमारे घर में 200 रुपए की शॉर्टेज हो जाती है। ये 2000 रुपए कहाँ से आएंगे? मियाँ बीबी दोनों झूठ बोलने के मामले में मामा शकुनी से भी ज्यादा चैंपियन। अरे बेडरूम में तकिए के नीचे जो 3000 रुपए छिपा कर रखे वो कब काम आएंगे? बीना, तुमने गद्दे के नीचे पैसे छुपा कर रखे? तुमसे किसने कहा? किसने कहा वो बाद में, हाँ या ना जवाब दे। हाँ रखे हैं, मुसीबत के वक्त काम आएंगे इसलिए। बीना, मैं तुमसे एक एक बात दिल खोल कर बताता हूँ और तुम मुझसे छुपा कर पैसे रखती हो। शर्म आने चाहिए तुम्हें दिल खोलते हुए। ए, पैसे रखती हुए? पैसे रखे तो तुम्हारे गद्दे के नीचे रखे हैं ना। तो फिर तुम्हें दिल की जासूसी करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म? मुझे शर्म नहीं। एक दूसरे को शर्मिंदा कर रहे तब तक हम लोग बेशरम होकर पैसे निकाल कर लाते। कैसे भुला दिया? पेट भर गया ना तुम्हारा? पेट तो तुम्हारा भरना चाहिए। पाई पाई करके इकट्ठा किए थे वो मैंने पैसे और तुमने उन पर लूट करवा दी। तुम्हें पता है वो पैसे मैंने क्यों इकट्ठा किए थे? क्यों? हमारी शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें सिल्क का चूड़ीदार कुर्ता देना चाहती थी।
फिर तो सच में पढ़ूंगी, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें चूड़ीदार कुर्ते में देखने के लिए मैं भी तरस गई हूँ। मैंने थोड़ा पेपर वर्क किया है कि लोग किन किन बातों पे हंसते हैं। सुनो, नंबर वन, कोई पागल हो जाने पे। नंबर दो, कोई जोक सुनने पर। नंबर तीन, गुदगुदी होने पर। नंबर चार, सुन, बहुत इंटरेस्टिंग है, पति के बटुए से पैसे चुराते हुए पत्नी हंसती है। नंबर पांच, पत्नी के मर जाने पर बेवफा पति मन ही मन हंसता है। बस बहुत हो गया, हंसाने के लिए बहुत सारे पैतरे हैं। पहले कोई ग्राहक तो आए। आएगा, जरूर आएगा। दुनिया में दुखियों की कमी नहीं है। हमारा दरवाजा खटकाने जरूर कोई आएगा। आ गया। कि मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह, इनकार तेरा हो, हो आजा, 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 हाँ हाँ। चलो ना बोले साथ में। Very good। डॉक्टर साहब से मिलना है। क्यों? आपने हमारे घर को कोई क्लिनिक समझ लिया है? नहीं, वो हंसाने वाला डॉक्टर। वो कहिए, मैं ही हूँ वो डॉक्टर। आप लगती तो नहीं। अरे क्या कमी है इसमें? डॉक्टरों की तरह इसकी आंखें खराब है, पता है इसके तो कान भी खराब है, और राइटिंग तो इतनी बुरी है कि जब ये इंग्लिश में लिखती है ना तो लोग उसे चाइनीज समझ के पढ़ते हैं। तो चुप करेगी? कहिए क्या प्रॉब्लम है आपको? ये मेरे पति हैं। हाँ, ये आपके पति हैं? मैंने तो सोचा कि ये आपके पिता हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। इनकी भी हमारे डैडी की तरह आपके साथ सेकंड इनिंग होगी। नहीं, इनका मेरे पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। शादी के वक्त ये मेरे से 5 साल छोटे लगते थे, पता नहीं क्या हो गया, शादी के बाद ये मेरे से 25 साल बड़े लगने लगे। अरे शादी के बाद अक्सर मर्दों के साथ ऐसा ही होता है। अपना कादर भाई, शादी से पहले उनके बाल अफ्रीकन रीच जैसे थे, और जैसे ही शादी हुई कि सोनी महवाल का चिकना घड़ा हो गया। वैसे आपको प्रॉब्लम क्या है? जी प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम इन्हें है। ये नींद में बड़बड़ आते हैं। उनको दिन में बोलने का चांस दे, वो नींद में नहीं बड़बड़ाएंगे। और कुछ? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इन्हें कभी हंसी नहीं आती है। चाहे कितना भी कॉमेडी वाकया हो, ये अपना मुंह ऐसे बंद करके रखते हैं जैसे कोई बैंक का लॉकर हो। मुझे लगता है इनके दांत सड़ गए होंगे। नहीं, इनके दांत तो मोती के दाने जैसे है। साले, तो फिर वो दाने दुनिया को दिखाने में तेरे बाप का क्या जाता है? काजल, काजल, पेशेंट के साथ प्यार से पेश आते हैं। राधिका, इनकी बीवी सामने खड़ी है तो आप इन्हें प्यार कैसे करें? हे भगवान, तू चुप नहीं रह सकती? भाई साहब, आपने ना हंसने की कसम खाई है क्या? ओए, तेरे को किसी ने भूल दिया है क्या? तू हंसेगा तो दांत तोड़ डालेगा। अपुन को बोल, अपुन उसकी टांग तोड़ डालेगा। मुझे पता है कि बेचारा आदमी गूंगा है, इसलिए हंस नहीं सकता। अरे बेवकूफ, गूंगे हंस तो सकते हैं। आप हंसते क्यों नहीं? अरे मुझे हंसी नहीं आती। देख, अपन तेरे को एक किस्सा सुनाता है, देखते हैं वो सुनकर तेरे को हंसी आती है कि नहीं। एक बार अपना खुशवंत सिंह चड्ढा उसके तोते को लेकर प्लेन से सफर कर रहा था। प्लेन में एयर होस्टेस आई और उसने तोते को चॉकलेट दी। तोते ने उसके गाल पर किस किया और उसे आई लव यू कहा। एयर होस्टेस ने कहा, हाउ नाइस ऑफ यू। दूसरी बार एयर होस्टेस कॉफी लेकर आई, फिर से तोते ने उसके गाल पर किस किया और उसे आई लव यू कहा। फिर से एयर होस्टेस ने उसको हाउ नाइस ऑफ यू कहा। अब अपने चड्ढा जी सोचने लगे, साला मेरे होते हुए ये तोता मजे उड़ा रहा है। इसलिए तीसरी बार जब एयर होस्टेस आई, तब चड्ढा जी ने उसके गाल पर किस कर दिया। सो नाइस ऑफ यू। अरे नहीं यार, वो भड़क गई और चड्ढा जी के गाल पर एक चाटा मार दिया। अब सारे पैसेंजर्स भी ऐसे भड़क गए कि वो लोग चड्ढा जी को प्लेन से बाहर फेंकने के लिए तैयार हो गए। चड्ढा जी बेचारे रोते रोते बोले, तोते ने 2 दफा किस किया तो उसको हाउ नाइस ऑफ यू, और मैंने 1 दफा किस किया तो मुझे प्लेन से बाहर फेंक रहे हो। काजी, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। हाँ। इसलिए पायलट ने कहा, ठीक है चड्ढा जी के साथ तोते को भी बाहर फेंक दो। अब सब लोग चड्ढा जी और तोते को बाहर फेंकने के लिए दरवाजा खोलने जा रहे थे कि तोते ने चड्ढा जी से पूछा, चड्ढा जी उड़ना आता है क्या? चड्ढा जी ने कहा, नहीं। तो तोते ने कहा, तो फिर क्या झक मारने के लिए पंगा लिया था?
साले इतना लेटेस्ट जोक मारा फिर भी आपको हंसी नहीं आई। ये आपको म्यूजियम में मिले थे क्या? नहीं, मछली घर में। वो तोता उड़ गया, उसमें हंसी काहे की? क्या हो रहा है? दादी आप? क्या हो रहा है ये सब? अरे इसे हंसाने की सब कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिलीप कुमार की धूम हंसता ही नहीं। वो नहीं हंसेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऑफिस में काम करता है और न हंसने के बारे में इसका नाम इतना बदनाम है जितना लोगों को हंसाने में एक जमाने में कादर खान और शक्ति कपूर बदनाम था। मैंने बुलाया है ताकि लड़कियों का आइडिया फ्लॉप हो जाए और दूसरों को सताना पड़े। तुम्हें पता है पूरे एरिया के डॉक्टरों ने मेरे पर प्रेशर किया है। अच्छा तो तुम मेरी बेटियों की लाफिंग मूवमेंट्स बंद करने के चक्कर में हो, लेकिन याद रखना मेरे होते हुए ये चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? अरे हंसना तो छूत की बीमारी जैसा है, एक को हंसते देख कर दूसरे को भी हंसी आती है और तुम्हें हंसते देख कर ना मुर्दा भी हंस पड़े। पर मैं हंसूंगा तो ना? अरे तुम्हें हंसाना तो एकदम इजी है, अगर तुम्हारे कलिंगे जैसे पेट पर मैं गुदगुदी करूँ ना तो तुम सरोज खान की तरह नाच नाच कर हंसोगे। सेरेमनी का चार्ज लेंगे हमारे एरिया के दादाओं के दादा काजल भाई। चलो अब सब लोग अपना अपना दायां आगे करो। दायां क्या है? मेरा राइट हैंड किधर है? जो इनके लेफ्ट की तरफ है। क्या? आपका लेफ्ट किधर है? को हाजिर ना हाजिर रखकर चार्ली चैपलिन और महमूद मियां की कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं सिर्फ हंसूंगा और हंसने के सिवा और कुछ नहीं करूंगा। कोई मुझे गाली दे तो भी, कोई मुझे थप्पड़ मारे तो भी मैं उसे दांत दिखाऊंगा। कोई मुझे पागल कहे तो मैं उसे हंस हंस कर पागल कर दूंगा। शुक्रिया काजल भाई। भाई और बहनों आज हमारे हंसने का पहला दिन है और बिना वजह हंसना उतना ही मुश्किल है जितना एक अच्छी कहानी के बगैर एक फिल्म का चलना। इसलिए मैं हमारी महिला मुक्ति ब्रांड मीनाक्षी देवी से कहूंगी कि यहाँ आए और आपको कुछ लतीफे सुनाए ताकि आपके दांतों को हंसने की आदत पड़ जाए। आइए मीनाक्षी देवी। एक बार एक होटल में एक ग्राहक एक वेटर को बोलता है कि वेटर इधर इधर मटर पनीर में मटर कहाँ है? जल्दी तो बोल पगली। पता नहीं मम्मी मेरे को हंसी बहुत आ रही है। आती है जल्दी बोल नहीं तो तेरे सामने वाले रो पड़ेंगे। आगे बोल वेटर ने क्या कहा? तो वेटर ने
सुनाती है। सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। अरे शाहरुख जी, अरे शाहरुख जी, हमारे शाहरुख जी, शाहरुख जी का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है वो सबको बांट रही है। एक दिन गौरी ने शाहरुख जी से एक रिडल पूछा कि अंडा, अंडा आप समझते हो ना, वो 20वें मंजिल से नीचे गिरा फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, क्यों? तो शाहरुख जी बोले, राम जाने। हे भगवान, मेरे सौतन की रक्षा करना, अगर उसको कुछ हो गया ना तो मेरी बेटियां फिर से अनाथ हो जाएगी। क्या हुआ है डॉक्टर? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। जो उसे हंसने से उनकी बीपी हाई हो गई है, मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और एक बात ध्यान में रखना, रोना औरतों की आदत रहती है। हाँ, वो तो है। इस तरह से हंसना उनके लिए रिस्की रहता है। अरे डॉक्टर, आप हंसने की बात करियो, अगर अब उनके सामने कोई हंसा ना तो आपको उसका दांत तोड़ डालेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने हमारी मामा को बचा लिया। नहीं तो डैडी की मुंह बोली बहन होने के नाते आपको उनके लिए तीसरी बीवी ढूंढनी पड़ती।